श्रीलंका से बुरी तरीके से हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने लगाई फांसी। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में फिर मच गया हंगामा। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार इतना बड़ा कदम बाबर आजम ने क्यों उठाया। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर का आखिरी मुकाबला खेला, जिसमें सैफिक ने 52 रन लगाए और रिजवान ने सबसे ज्यादा नाबाद 86 रन की पारी खेली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 252 रन, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम लगभग इस मुकाबले को जीत चुकी थी। मगर दोस्तों आखिरी में आकर के 2 विकेट चटका दिए साइन अफरीदी ने। मगर दोस्तों फिर चरित श्रीलंका ने एक चौका लगाया आखिरी में और 2 रन लेकर के DLS से श्रीलंका टीम को जिता दिया, जिसमें कुशल मेंडिस ने लंका की ओर से सबसे ज्यादा 91 रन लगाए। दोस्तों पाकिस्तान की टीम अब एशिया कप से बाहर हो चुकी है। बाहर होने के बाद पूरे पाकिस्तान में तगड़ा हंगामा हुआ। दोस्तों लोग बागों ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबर आजम को सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, उसको फांसी तक होनी चाहिए, ये तक कह दिया लोग बागों ने। दोस्तों इतने बड़े खिलाड़ी के लिए ये बात बोलना कितना सही है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।